गुरुग्राम में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और संगठन मंत्री और प्रदेश महामंत्रियों सहित कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मिशन 2024 सहित हरियाणा में बारिश के बाद बिगड़ते हालातों को लेकर भी चर्चा की गई और बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह बताया कि सीएम मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में सभी नेताओं को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी की तरफ से संपर्क अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के साथ भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और राहत कार्यों में जुटे एनडीआरएफ से हालातों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा है कि जहां नाव से जाना संभव नहीं, वहां हेलीकॉप्टर से राशन व जरूरी सामान को पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के आदेश दिए। हरियाणा में भारी बरसात के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुछ क्षेत्र के शहाबाद में भी कई गांव पानी में डूब गए हैं। जहां पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यहां नाव से जाना संभव नहीं, वहां हेलीकॉप्टर से राशन और जरूरी सामान को घरों की छतों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निर्देश दिए कि लापरवाही करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। करनाल में लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप भी मौके पर मौजूद थे और बैठक के दौरान सांसद संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं की बाढ़ प्रभावित इलाकों में ड्यूटी भी लगाई। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की हर संभव मदद के लिए कोशिश की जा रही है और इंद्री विधायक राजकुमार कश्यप ने कहा कि बारिश की सबसे ज्यादा मार इंद्री के किसानों पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अम्बाला में आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा ने फिलहाल बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों से बातचीत की। इस दौरान आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के साथ साथ उनके लिए जरूरी खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में जलभराव होने की वजह से लोगों का काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुंडरी में भी भारी बरसात के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया है और साथ ही किसानों की कई एकड़ फसल भी चलमगर हो गई। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की और साथ ही किसानों का कहना है कि ड्रेन की सफाई न होने की वजह से बारिश के बाद ये स्थिति बनी है और कई एकड़ फसल उनकी तबाह हो गई। करनाल के गढ़पुर टापू में यमुना का तटबंध टूटने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इस बीच जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य का काम तेज किया गया है। इस बीच करनाल रेंज के आईजी सत्येंद्र कुमार भी देव गढ़पुर टापू में यमुना के टूटे तटबंध पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालातों पर जिला प्रशासन की पूरी नज़र है और साथ ही लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गुरुग्राम में भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। वहीं इफ्को चौक पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से कई घंटों तक लंबा जाम लगा हुआ है जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर ज़रा ज़रूरी काम हो तभी घरों से निकले। यमुनानगर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है और इलाकों में फंसे लोगों को पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। थाना छप्पर के फिलहाल इंचार्ज अपनी टीम के साथ करनाल पहुंचे। उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया और साथ ही कई घंटों में घरों में फंसे लोगों को भी बाहर निकाला। बारिश के बाद यमुनानगर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है।
कैथल के रसूलपुर और प्रेमपुरा गांव में तेज बहाव के चलते सरस्वती ड्रेन का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आधा दर्जन के करीब गांव पानी में भर गए हैं और इसके साथ साथ खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। जलभराव की वजह से खेतों में बने आधा दर्जन के करीब डेरों का संपर्क भी टूट गया है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हालातों का जायजा लेने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। करनाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और स्थिति में निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है और करनाल के सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोट के जरिए भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। फरीदाबाद में एनएचआई विभाग की ओर से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर एनएचआई विभाग के अधिकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर एनएचआई विभाग के अधिकारी बीके जोशी ने यह कहा कि एनएचआई विभाग समय समय पर जनहित के कार्य करता रहा है। उन्होंने बताया कि गदपुरी टोल के नज़दीक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और इसके साथ ही विभाग की ओर से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। फरीदाबाद में पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी सेक्टर 55 स्थित मेडिकल स्टोर में काम करता था और आरोपी वहीं से ही नशीले इंजेक्शन बेचने का काम किया करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रेवाड़ी में युवक ने वेल्डर की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों वेल्डर एक ही दुकान में काम करते थे। आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ और इसके बाद आरोपी युवक ने वेल्डर की लोहे की रॉड से हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फरीदाबाद के बसंतपुर की गड्ढा कॉलोनी में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है और जानकारी के मुताबिक बाढ़ के चलते घरों में पानी भरा हुआ था और युवक घर में रखे सामान को निकालने गया। उसी दौरान पानी में आए करंट के चलते युवक की मौत हो गई है और युवक की पहचान 24 वर्षीय सतीश के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रतिया में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतका ने सुसाइड नोट के जरिए ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर इल्जाम लगाए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी।